हमारा पिछला आंदोलन तो कवर किया है, आपकी वजह से काफी हमें मदद भी मिली है और आदरणीय श्रम मंत्री जी ने बुला के हमें अनशन वापस लेने के लिए कहा, आश्वासित किया कि हम आपका काम जल्दी करेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि मैं बुल्ढाणा आ रहा हूँ, तो हम लोग बुल्ढाणा गए, उनका वहाँ पर स्वागत सत्कार भी किया और उनसे हमने कहा कि हमें बताइए कि हमारा काम कब होगा, तो उन्होंने यही कहा कि हम जल्दी से जल्दी करेंगे। जल्दी से जल्दी करेंगे का मतलब हमारा काम ये 22 तारीख के पहले पहले होना चाहिए, क्योंकि 22 तारीख तक संसद है। तो हम उसी आशा में यहाँ पर सब लोग जमे हुए हैं। हमारे NAC के टॉप लीडर्स आज दिल्ली में मिले, उनकी इंडिया गेट पे मीटिंग भी हुई और मीटिंग होने के बाद हमने कुछ चीज़ों पर विचार विमर्श किया और अभी हम आशा लगाए बैठे हैं कि हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी न्याय देंगे, जल्दी देंगे। इसी वजह से हमारे पूरे बूढ़े लोग जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली में आज जमा हुआ है और सुबह इंडिया गेट पे मीटिंग करने के बाद बिल्कुल है, सारे सांसद जो हमें समर्थन देने के लिए आए थे, आदरणीय बाबा साहेब भामरे जो पूर्व रक्षा राज्य मंत्री है, BJP के MP है, सुप्रियाताई सुले NCP की MP है, उसी के बाद हीनाताई गावित, अन्ना अप्पा साहेब बारने, ये सब लोग, अमोल कोले, सब लोग जो आके गए हैं, उन्होंने जो समर्थन दिया है वो शायद श्रम मंत्री पे अभी हमारी गुहार लगाएंगे वहाँ पे पार्लियामेंट में भी और मंत्री जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास। और हमें आशा है कि हमारा काम जल्दी से जल्दी होगा, इसी आशा में हम दिल्ली में बैठे हुए हैं। लगातार जो है अभी टीका भी दिन पार्लियामेंट बंद भी था, उस बीच में आप लोग लगातार वो सत्ताधारी पार्टियों के MPO से मिल रहे हैं, उनसे आपको क्या मतलब आश्वासन मिल रहा है? देखिए, सारे MP जो है अक्रॉस द पार्टी लाइन, सभी पक्ष के जो लोग है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मानवता का विषय है ये, कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। इसी तरह से मीडिया भी, आप लोग हमें बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि जब सभी का सपोर्ट है तो फिर निर्णय में देरी क्यों, कहां से देरी हो रही है? इस पर प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्रम मंत्री जी, ये सब लोग ध्यान दें और हमारा प्रश्न आप उसका निर्णय त्वरित करें। बिल्कुल मानी जाएगी, क्यों नहीं मानी जाएगी। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी मांगे अभी इसी सत्र में पूरी होनी चाहिए, या 31 दिसंबर तक हमने सरकार को टाइम दिया है, अगर तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो पूरे भारत के वृद्ध लोग, ज्येष्ठ लोग फिर से एकत्रित होकर आंदोलन शुरू करेंगे। Myself, Ramakant Nargu. Whatever Commander sir has told regarding this thing, as the particular assurance has been given by Labour Ministry, we are confident that this government will give a definitely help before this 31st of December, whatever the dates they have given. Assurance is the only this thing we are living on, that all pensioners are dying. With a short of 1,000 and 1,500, nobody can run a family. Government also knows.